हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू वे में। जैसा कि फ्रेंड आपको बहुत दिन से ही पता चला आंगनवाड़ी की भर्ती आने वाली है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी निश्चित डेट का पता आपको फिर भी नहीं चल पा रहा था। सो फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठी आज हम आपको बताने वाले आंगनवाड़ी भर्ती का आवेदन कब से शुरू हो रहा है। बहुत ही बड़ी बहुत अच्छी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग इस चैनल पर नए आए फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ तक बात की जाए फ्रेंड्स आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म 2021 आ गया है, जिसमें 50,000 पोस्ट के लिए आवेदन किया जा रहा है फ्रेंड्स, जिसका अपडेट फ्रेंड्स 27 मार्च 2021 9:05 पर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर एंड मिनी वर्कर हेल्पर रिक्वायरमेंट 2021 आ चुका है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट एंड एप्लीकेशन फीस। जहां तक फ्रेंड्स बात की जाए इंपोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस के बारे में फ्रेंड्स, एप्लीकेशन की शुरुआत फ्रेंड्स 27/3/2021 को हो गई है। लास्ट डेट फ्रेंड इसका 16/4/2021 है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने की लास्ट डेट आपको 16/4/2021 ही मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट आपको जल्दी ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। फ्रेंड्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ 0 रुपये है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपये है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फीस रखा गया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। थोड़ा नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज फ्रेंड्स आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज ईयर फ्रेंड्स 45 ईयर होनी चाहिए, जहाँ पर एज की छूट भी दी जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन ये रूल के हिसाब से होगा। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरी वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी, जहाँ पे टोटल पोस्ट फ्रेंड्स आपको 50,000 देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर एंड मिनी आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स, इस ओनली फीमेल ही कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे उनका 10th क्लास पास होना मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक बात की जाए फ्रेंड्स आंगनवाड़ी हेल्पर की फ्रेंड्स, वहाँ पे भी फीमेल ही कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका क्लास 5th पास होना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको वैकेंसी की सारी डिटेल मिल जाएगी, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को दर्शाया गया है, जिसकी भी डिटेल फ्रेंड्स आपको जल्दी ही मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप नीचे, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं अप्लाई के लिए आवेदन। फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स नोटिफिकेशन का भी डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इस भर्ती का आवेदन कैसे और कहां से करना है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में या फिर आप जो कोई अदर ब्राउजर यूज़ करते हैं उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है balvikasup.gov.in। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट सामने आएगा, जहां फ्रेंड्स आपको अबाउट अस स्कीम्स एंड एक्ट एंड रूल का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट अस का डिटेल मिल जाएगा। जहां पे फ्रेंड रिक्वायरमेंट कॉलम में आके यहां फ्रेंड्स आपको आंगनवाड़ी की अनसुपरवाइजर की भर्ती का टैग दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का व्यू ओपन हो के आएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स सिंपली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आवेदन प्रक्रिया के कुछ दिशा निर्देश। यहाँ फ्रेंड्स आपको सुझाव दिया जाता है कि सारी डिटेलों को भरने अवश्य ध्यानपूर्वक इसे एक बार पढ़ लें। यहाँ फ्रेंड्स साफ साफ दर्शाया गया है आवेदिका द्वारा विभागीय वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से इस आवेदन की प्रेषित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स साफ साफ लिखा दिख जाएगा फ्रेंड्स ये आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, जहाँ पे आपको एक भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड इन सभी ऑप्शनों को आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेंड यस बटन क्लिक करना होगा। आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ फ्रेंड्स आपको अपना जनपद चूज कर लेना है। जनपद चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना ब्लॉक चूज करना है। ब्लॉक चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना टाइप चुन लेना है कि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में। अगर फ्रेंड्स आप शहरी में रहते हैं तो आप शहरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रामीण सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम चूज करना होगा, जहाँ फ्रेंड्स आप कुछ भी एक विलेज अपना जो आपका विलेज है उसे चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपको पद का नाम चूज करना होगा, जहाँ पे फ्रेंड्स 3 पद हैं आपके यहाँ पे, कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका के, जिसमें से एक पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करना है। सर्च बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसकी पोस्ट जो खाली है जिस स्थान पर आपने भरा है वहाँ पर उस पोस्ट का
पूरा डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा, जिसे आप फ्रेंड्स एक्सेल में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे दिए गए बटन अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार का व्यू ओपन हो गया आएगा, जहां आपके पंजीयन करने के लिए मोबाइल नंबर और साथ ही जन्मतिथि मांगी जाएगी और कैप्चर कोड भरना होगा। देन फ्रेंड आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर उसमें एंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको कैप्चर कोड भरकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे फ्रेंड्स सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फ्रेंड्स यहां पर डालकर सबमिट वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। हाँ फ्रेंड्स, हमने ओटीपी डाल दी है, अब वेरीफाई बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसी फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, फॉर्म खुल के आ जाता है, जहां पर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम चुनना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अभिदिका के नाम डालना होगा। यहाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो डिटेल है सब आपकी हाई स्कूल की बेस पे होनी चाहिए। यहाँ पे सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स आपको अभिदिका की स्थिति का ब्यौरा देना होगा, जहाँ पे आपको अभिदिका विवाहित है अविवाहित है फ्रेंड्स वो बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने पिता का नाम डालना होगा। पिता का नाम डालने के बाद फ्रेंड्स अपनी मदर्स नेम, देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी, जहाँ पर आप अनुसूचित जाति हैं, अल्पसंख्यक हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इसे चूज़ करना होगा। अगर आपकी फ्रेंड्स कोई उपश्रेणी सैनिक संबंधित परिवार से या आप स्पोर्ट कोटे से हैं फ्रेंड्स, उसे चूज़ करना होगा। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आपको नहीं लागू है पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने को, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको दिखाई देता है कि यदि आवेदिका सहायक पद पर पहले से कार्यरत है तो उसका विवरण देना होगा। फ्रेंड्स यदि आप पहले से इस पद पर कार्यरत हैं फ्रेंड्स, उसे यस करके आपको विवरण देना होगा। अगर नहीं फ्रेंड्स तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ा देना है फ्रेंड। देन फ्रेंड आपको दिखाई देता है आपको पूरा स्थायी पता डालने को, जहाँ फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मकान नंबर डालने के बाद अपने ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम और जिले के नाम चूज़ कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने निवास प्रमाण पत्र का, डोमेसिल सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स आपको जो जारी करता है उसकी डिटेल भरनी है, और आपको इसका प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी दिनांक भी भरना होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स जाति और आय प्रमाण पत्र का भी, फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स इसी प्रकार से बिल्कुल फिलअप करना होगा। देन फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी जन्मतिथि शब्दों में लिखनी होगी। उसके नीचे फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करके इसे सुरक्षित कर देना है। यहाँ फ्रेंड्स हमने कैप्चर कोड डाल के इसे सुरक्षित बटन पर क्लिक कर दिया। सुरक्षित बटन पर क्लिक करने के कुछ सेकेंडों बाद ही फ्रेंड्स आपको एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया था, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना पंजीयन क्रमांक मिल जाता है, जिससे आप फ्रेंड्स आप लिख के या नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ा देना है। आपको अपने एजुकेशन की सारी डिटेल देनी है, जहाँ पे आपको हाई स्कूल बोर्ड और हाई स्कूल का विद्यालय का नाम, अपने उत्तीर्ण का वर्ष, पूर्णांक एंड प्राप्तांक फ्रेंड्स भरना है। इसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट का भी डिटेल आपको यहाँ सिंपली फिलअप कर देना है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल जल्दी जल्दी फिलअप कर लेते हैं। पहले वाले स्टेप की तरह फ्रेंड्स इसे सिंपली सुरक्षित कर लेते हैं कैप्चर कोड भरकर। इस स्टेप को सुरक्षित करने वाले फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर का आता है, जहां फ्रेंड्स फ़ोटो की साइज़ की बात की जाए फ्रेंड्स, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से नीचे का होना चाहिए, और हस्ताक्षर की बात की जाए फ्रेंड्स 10 KB से नीचे का होना चाहिए। देन फ्रेंड्स आपको चूज़ बटन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, और सेम टू सेम फ्रेंड उसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को भी चूज़ बटन पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली कैप्चर कोड भरकर फ्रेंड्स इसे सुरक्षित कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो एंड सिग्नेचर सारी डिटेल हो चुकी है, जिसे फ्रेंड्स सेव करके आगे बढ़ा देना है। आगे का फ्रेंड्स जो है आपका लास्ट स्टेप है, जहां आपको एक घोषणा मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां एकदम सत्य हैं, भविष्य में यदि कोई भी तथ्य को फर्जी पाया जाता है या छिपाया पाया जाता है मेरी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको सिंपली कैप्चर कोड भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद फ्रेंड्स आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रेंड्स, जहां पे आपको सेव्ड, फाइनल सबमिट एंड पिछला ऑप्शन मिल जाता है। जहां फ्रेंड्स आपको सेव डायरेक्ट पे अगर क्लिक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इस फॉर्म को दोबारा खोलकर थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, और अगर फ्रेंड्स आपकी सारी डिटेल सही है तो आप सिंपली इसे सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को बिल्कुल सबमिट कर दें। फ्रेंड्स हमारा आवेदन फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, जो फाइनल होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसका प्रिंट आउट फ्रेंड्स निकाल के आपको सुरक्षित रख लेना है। वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स अपने सुझाव जरूर दें, अब बेल आइकन को जरूर दबा लें फ्रेंड्स, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।